भारत युगों से कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि इस देश में हर साल कई तरह की फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है। आज भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट यानी कृषि वैज्ञानिक भी बन रहा है। कई लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती ही नहीं है, बल्कि कृषि से जुड़े सभी कामों को संभालना और इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्या है, 12th के बाद एग्रीकल्चरल कोर्स कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चरल में करियर कैसे बनाएं, एग्रीकल्चरल में करियर के टॉप ऑप्शन क्या हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आप हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। दोस्तों, आपको पता है देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की पहली जरूरत है, इसीलिए हर साल सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। फसलों के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के हेल्प और कन्फर्मेशन से पेस्टिसाइड्स केमिकल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। बता दें कि एग्रीकल्चर में करियर के कई ऑप्शन मौजूद हैं। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, वे गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेल्फ एम्प्लॉयड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट को कम से कम 10th या 12th पास होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस पर कोर्स केवल 12th पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर की पढ़ाई की जरूरत है। देश में कई एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल हो गए हैं, जिनकी पढ़ाई करके आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आप एक अच्छे एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, रिसर्चर या बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए देश में कई अच्छे अच्छे कॉलेज मौजूद हैं, जहां आप अपने बजट और टैलेंट के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद वहां आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कोर्स को चूज करना होगा। एग्रीकल्चर स्टडी करने के लिए आपको कृषि से लगाव होना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर में आप वेरियस सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किए जाने वाले रिसर्च के बारे में भी सिखाया जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं: एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड्स, फूड रिसर्च सिस्टम, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर ट्रेड और बिजनेस, गार्डनिंग सेफ्टी एंड गार्डनिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल केमिकल। इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट जिसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करके पढ़ सकते हैं। 12th के बाद एग्रीकल्चर कोर्स कौन से हैं? जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे अपनी एजुकेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। एग्रीकल्चर में सर्टिफिकेट कोर्स 3 टाइप के होते हैं: सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस, सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, सर्टिफिकेट इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स 4 टाइप के होते हैं: एग्रीकल्चर फूड डिप्लोमा, एग्री बिजनेस, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आइए अब जानते हैं एग्रीकल्चर के ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन कौन से हैं: BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन डेयरी साइंस, BBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, BA इन एग्रीकल्चर, BSc इन प्लांट साइंस, BSc इन फिशर साइंस, BE इन एग्रीकल्चर कोर्स, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स, BTech इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, BEd इन एग्रीकल्चर, BTech इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, BTech इन एग्रीकल्चरल IT। आइए अब जानते हैं एग्रीकल्चरल कोर्स में पोस्ट प्रोडक्शन कोर्स कौन कौन से हैं: कोर्स इन MSc एग्रीकल्चर, MSc इन एग्रीकल्चर, MSc इन हॉर्टिकल्चर, MSc इन फॉरेस्ट्री, MSc इन फिशर साइंस, MSc इन डेयरी साइंस, MSc इन प्लांट पैथोलॉजी, MSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। आप चाहें तो PhD भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल होगी और आपको इस फील्ड में एक बड़े ऑफिसर की पोस्ट भी मिल सकती है। आइए अब जानते हैं टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, दूसरा है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, तीसरा है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, चौथा है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे, पांचवा है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब का क्या स्कोप है।
कई लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब की बहुत कम गुंजाइश होती है, लेकिन आपको बता दें जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर की स्टडी पूरी कर ली है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हो जाते हैं। इसके साथ ही वे अपना ओन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब के लिए टाइम टाइम पर रिक्रूटमेंट निकलती है। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं वह बैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर और भी बहुत सी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट नौकरी की, आइए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्राइवेट नौकरियों के बारे में। एग्रीकल्चर स्टडी करने वालों के लिए प्राइवेट जॉब की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर स्टडी करने वाले स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट करती हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में एग्रीकल्चर टीचर के रूप में जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट लैंड कन्वर्सेशन इंस्पेक्टर इंचार्ज, एग्रीकल्चर सीड स्टोर इंचार्ज, एग्रीकल्चर डिफेंस यूनिट, टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, टेक्निकल असिस्टेंट सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फूड रिसर्चर, सॉइल सर्वेयर, क्रॉप स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्चर, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टीचर, ऐसे कई सारे पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टॉप करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके नए इक्विपमेंट एंड मशीनरी को डिजाइन करता है, साथ ही मौजूदा खेती के तरीकों में सुधार करने की कोशिश करता है, किसानों और व्यवसायों को भूमि उपयोग पर सलाह देने, क्रॉप्स और आसपास के एनवायरनमेंट पर मौजूद प्रोड्यूसर के प्रभाव का आकलन करने के लिए मौसम और जीपीएस से डेटा का भी यूज करते हैं। इस भूमिका में एग्रीकल्चर इंजीनियर और एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसके अलावा आपको मैथ्स, साइंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ क्रिएटिव होने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होने की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक डिसीजन को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट और थ्योरीज यानी सूक्ष्म आर्थिक और व्यापक आर्थिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को लागू करते हैं, जैसे कि खरीदार अपने द्वारा खरीदे जाने वाले भोजन के बारे में कई निर्णय क्यों लेते हैं और सरकार किसानों का समर्थन कैसे करती है। ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में रुझानों को खोजने और निर्धारित करने के लिए इकोनॉमिक्स डाटा का एनालिसिस करते हैं। कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अपने ऑफिस डाटा की एक चेन पर कैलकुलेशन एंड एनालिसिस करने में बिताते हैं, कुछ अपना टाइम खेतों में भूमि का सर्वेक्षण करने, किसानों का साक्षात्कार करने और रिसर्च करने में व्यतीत करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन उन्हें अन्य इकोनॉमिस्ट, किसानों और स्टैटिस्टिशियन के साथ सहयोग करना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बनने के इच्छुक लोगों के लिए इकोनॉमिस्ट की डिग्री लेनी होती है। इसके लिए मैथ्स आना बहुत ही जरूरी है और आपको डेटा को इफेक्टिवली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने और इसे साफ और सही तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। फार्म मैनेजर, एक फार्म मैनेजर फार्म के ऑपरेशन की निगरानी करने और बजट मापदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्णय लेते हैं, साथ ही कृषि भवनों और इक्विपमेंट्स के रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था करते हैं, खेत के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाते हैं। इस भूमिका के लिए आपको खेती के अनुभव के साथ साथ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें आपको कार्यों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पर भी काम करना होगा। अधिकांश कृषि प्रबंधकों के पास कृषि संबंधित डिग्री भी होती है, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आइए अब बात कर लेते हैं कन्वर्सेशन प्लानर के बारे में। कन्वर्सेशन प्लानर जमीन के इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू को डिटरमिनेट करने के लिए जिम्मेदार है, यह तय करने के लिए कि क्या इसे रिजर्व किया जाना चाहिए या क्या इसे बनाया जा सकता है। अगर जमीन को बनाने के लिए बहुत मूल्यवान समझा जाता है तो कन्वर्सेशन प्लानर स्टेक होल्डर को बताते हुए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एक कन्वर्सेशन प्लानर के दैनिक कार्यों में रिपोर्ट तैयार करना, बजट विकसित करना, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की पहचान करना और उनको एनालाइज करना और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को बढ़ावा देना शामिल होता है। कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट, एक कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग में शामिल होते हैं, जिसमें सब्जी, फल,
फसलों और पौधों के बढ़ने, कटाई, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की मॉनिटरिंग करना होता है। इसके अलावा डे टू डे गतिविधियों में कर्मचारियों की देखरेख और प्रशिक्षण, पेस्ट वेट कंट्रोल प्रोग्राम का मैनेजमेंट, राइटिंग बिजनेस लिखना, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना, उत्पादों की मार्केटिंग करना, खरीदारों और विक्रेताओं के साथ अनुबंध पर बातचीत करना और तैयार उत्पादों को बेचने में मदद करना होता है। एक कर्मशाली हॉर्टिकल्चर को स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। डेवलपर्स एनवायरमेंट ग्रुप और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। सॉइल एंड प्लांट साइंटिस्ट, एक सॉइल एवं प्लांट साइंटिस्ट यह आकलन करने के लिए मिट्टी की संरचना का प्रशिक्षण करते हैं कि यह पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही बढ़ती फसलों के अल्टरनेटिव मेथड्स जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर रिसर्च करके उनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए तरीके ढूंढता है। इस डेटा को डिटेल रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ताकि फूड प्रोड्यूसर को सलाह दी जा सके कि वे अपनी जमीन का सबसे इफिशियंट वे में यूज कैसे करें। साथ ही किसानों को उन फसलों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं जो सबसे सूटेबल हैं। दोस्तों, आप सभी ने आज एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां जानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।